लालू यादव भारत की राजनीति के एक उदाहरण हैं। लालू यादव बहुत गरीब परिवार से आए थे और उनके भाई चपरासी थे। उन्हीं के घर रह करके पटना में उन्होंने पढ़ाई की और छात्र संघ के अध्यक्ष भी हो गए। शुरू से लालू अभिव्यक्ति के मसले में एक कमाल की भाषा शैली का इस्तेमाल करते थे, जो बिल्कुल उन लोगों के साथ अपने को जोड़ लेती थी जो गरीब परिवारों से आए हुए लोग थे। तभी बिहार का छात्र आंदोलन शुरू हुआ और लालू यादव अपनी वाक्पटुता की वजह से या अपने नज़रिए की वजह से छात्र संघर्ष समिति के, जो बिहार में छात्र आंदोलन का, मशहूर छात्र आंदोलन का संगठन करने वाला संगठन था, नेतृत्व करने वाला संगठन था, उसके वो अध्यक्ष हो गए। उनके धुर राजनीतिक विरोधी सुशील मोदी संघर्ष समिति के महामंत्री थे। लालू यादव बहुत गरीब परिवार के थे। बिहार आंदोलन खत्म हुआ, लोकसभा के चुनाव हुए, लालू यादव राजनीति में घुस आए। उन्हें टिकट मिला, वो संसद के सदस्य हुए और लालू यादव धीरे धीरे बिहार की राजनीति में गरीबों के प्रतिनिधि माने जाने लगे। जब बिहार का चुनाव हुआ वीपी सिंह के आंदोलन के बाद और वहाँ पर जनता दल का नेता चुनने की बात आई जो मुख्यमंत्री बन सके बिहार का, तब लालू यादव वापस बिहार गए और वहाँ पर वो बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए, जनता दल के नेता चुने गए। देवीलाल जी उन्हें बहुत पसंद करते थे, वीपी सिंह से उनका संपर्क कम था, लेकिन लोकसभा में लालू यादव हमेशा जोर से चिल्लाकर पूरी लोकसभा का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। तो 89 की जो लोकसभा थी, 9वीं लोकसभा, उसमें लालू यादव शुरू के कुछ महीने तक बहुत ही एक चर्चित सांसद के रूप में उन्होंने अपना रोल प्ले किया। बिहार के वो मुख्यमंत्री बने। बिहार के मुख्यमंत्री जब लालू यादव बने तो वो लगभग 20 नेताओं में से एक थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने के भीतर लालू यादव ने अपने राजनीतिक कौशल का परिचय दिया और उन्होंने जितने भी गरीब तबके थे, पिछड़े तबके थे, मुस्लिम थे, वंचित थे, उनको इकट्ठा करना शुरू किया और धीरे धीरे लालू यादव इस वर्ग के एकमात्र नेता बनकर के उभरने लगे। और भी नेता थे लेकिन उनका हिस्सा छोटा था। लालू यादव जाति के नेता तो थे ही, लेकिन जाति के अलावा वो सारे गरीब तबके के लोगों के नेता बन के उभर आए। लालू यादव 10 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे, 5 साल उनकी पत्नी मुख्यमंत्री रहीं। इस दौरान बिहार में चूंकि चूक बहुत हुई, एक चारा घोटाला हुआ। जो चारा, पशुओं को चारा खिलाने के लिए जो पैसा जिलों में जाता था, उसमें से बहुत पैसा गबन किया गया और लोगों ने आम तौर पर, ये सरकारी अधिकारी करते हैं कि वो उस पैसे को निकाल लेते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और उसकी उसका जो आरोप है वो राजनेता के ऊपर आता है। बिहार में या देश के बहुत सारे हिस्सों में ऐसा होता है, जैसे बाढ़ आती है, उसका सामना करने के लिए पैसा आता है, रिलीफ के लिए पैसा आता है, घर बनाने के लिए पैसा आता है, इसमें भ्रष्टाचार होता है, पकड़ में नहीं आता। लेकिन चारा घोटाला पकड़ में आ गया क्योंकि कुछ लोग जो निचले स्तर पे, जिन्होंने इस पैसे को खाया था, उन लोगों का सारा किए धरे का आरोप लालू यादव के ऊपर गया क्योंकि लालू यादव चीफ मिनिस्टर थे। और देश भर में चारा घोटाला के नाम से प्रसिद्ध हुआ ये कांड, उसने लालू यादव को एक बहुत बड़ा काला टीका लगा दिया, एक अपमान का टीका लगा दिया। लेकिन लालू यादव इसके बावजूद घबराए नहीं और उन्होंने बिहार के लोगों
आपको, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लालू यादव बिहार के एकमात्र नेता हैं जिनके कहने से वोट इधर का उधर होता है। इस समय लालू यादव सजायाफ्ता हैं, उन्हें लगभग 10 साल की सजा की घोषणा हुई है। और लालू यादव का ही किस्सा था, मशहूर किस्सा, संसद में एक कानून मनमोहन सिंह सरकार ला रही थी कि आप जब तक आपको सुप्रीम कोर्ट की सज़ा न हो जाए तब तक आपको सजा याफ्ता न माना जाए। कानून में अभी है कि अगर कोई भी अदालत आपको सज़ा दे दे तो जब तक आप सुप्रीम कोर्ट से बरी नहीं हो जाते या आखिरी अदालत तक अदालत से बरी नहीं हो जाते तब तक आप सजा याफ्ता माने जाएंगे। मनमोहन सिंह सरकार इसे बदल करके करने जा रही थी कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट से जब तक नहीं सजा याफ्ता घोषित होते हैं तब तक आप चुनाव लड़ सकते हैं। और राहुल गांधी ने उस बिल को फाड़ के पब्लिकली फेंक दिया था, जिसका अफसोस बहुत सारे राजनेताओं को है, बहुतों को नहीं भी है, क्योंकि उनके लिए लालू यादव इस समय जेल में बना रहना ही उनके राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। लालू यादव ने अपने दो पुत्रों को राजनीति में शामिल किया, 5 साल उनकी पत्नी मुख्यमंत्री रही बिहार की। कहते हैं कि उस समय भी शासन लालू यादव चलाते थे, क्योंकि लालू यादव की नज़र ज़्यादातर गरीब तबके के ऊपर रहती थी और उन्होंने राजनीतिक तौर पर MY समीकरण बनाया। MY का मतलब मुस्लिम यादव समीकरण, जिसने बिहार में 15 साल तक लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी को सत्ता में बनाए रखा। इस बार के चुनाव में लालू यादव जेल में हैं, तबीयत उनकी ख़राब है और बीच बीच में ज़्यादा ख़राब होती रहती है। वो रांची मेडिकल कॉलेज में इस समय भर्ती हैं, बीच बीच में वो इलाज के लिए दिल्ली जाते रहते हैं। पर लालू यादव जैसा कोई नेता देश में इस समय राजनीति में नहीं है, जिसके भ्रष्टाचार को उनके समर्थक भ्रष्टाचार नहीं मानते। उनका मानना है कि लालू यादव को फंसाया गया है, और लालू यादव अगर इस चुनाव में बाहर होते तो निश्चित रूप से चुनाव परिणाम वो नहीं होता जो इस समय निकला है, यानी नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ को ज़्यादातर सीटें लोकसभा की मिली, लालू यादव को एक भी सीट नहीं मिली। लालू यादव अगर बाहर होते, ऐसा उनके समर्थकों का कहना है जो तबके उनके साथ हैं उनका, कि ऐसा नहीं होता। लालू यादव की भाषा गरीब के पक्ष की होती है, लालू यादव की भाषा में मुहावरे होते हैं, लालू यादव की भाषा में गांव का देसीपन होता है, अभिजात्य नहीं होता। और अभिजात्य को तोड़ने का जो साहस लालू में है वो किसी राजनेता में नहीं है। वो पब्लिकली बैठकर गमछा पहन के, बनियाइन पहन के, दातून करते हुए किसी भी TV चैनल से बात कर सकते हैं, और उन्होंने किया, उन्होंने ऐसा किया। किसी भी नेता को उन्होंने जब जैसा समझा वैसा कहा, वैसा उसके ऊपर आरोप लगाया, जिसको उन्होंने समझा कि ये ठीक है उसका साथ दिया। राजनीति के में ऐसे व्यक्तित्व बहुत कम हैं जैसे व्यक्तित्व लालू यादव हैं, जिन्होंने अपनी क्षमता के बल के ऊपर बिहार का मुख्यमंत्री पद भी लिया और देश भर में एक ऐसे राजनेता के रूप में उभरे जिस राजनेता का इंतज़ार आज भी भारत की जनता कर रही है कि जिस दिन लालू जेल से छूटेंगे और देश में घूमेंगे उनको ज़रूर बड़ी भीड़ सुनने आएगी।